ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी लोगों को इंद्रा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप देख रहे हैं, लखनऊ की रत्ना में आपका स्वागत है। तो गाइज, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी लोगों को एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो गाइज, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इंद्रा एकादशी के बारे में। जो अब की बार की जो इंद्रा एकादशी है, ये पितृपक्ष में पड़ रही है। और कहते हैं गाइज, जो पितृपक्ष में एकादशी पड़ती है उसका व्रत रहे। तो गाइज, आज हम बात कर रहे हैं एकादशी के बारे में। अब की बार की जो एकादशी है, ये दिन मंगलवार को पड़ रही है और 10 तारीख को पड़ रही है। वैसे एकादशी गाइस 9 तारीख की भी है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो एकादशी का व्रत है ये मंगलवार को रहा जाएगा और 10 तारीख दिन मंगलवार को। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की ये जो एकादशी है, इसका नाम है इंद्रा एकादशी। तो गाइस, मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को इसके बारे में बता दूं। लेकिन जैसे जो लोग पितृपक्ष में, अगर बहुत से लोगों के यहाँ एकादशी का श्राद्ध होता है जो अपने पितरों के निमित्त करते हैं, तो उन लोगों को 9 तारीख को ब्राह्मण को बुला करके एकादशी भोजन कराना है श्राद्ध का। 10 तारीख को नहीं कराया जाएगा, क्योंकि जो 10 तारीख की एकादशी है वो व्रत वाली एकादशी है। तो गाइस, क्यों ना मैंने सोचा आप लोगों को इस सब के बारे में जानकारी दे दूँ। तो गाइस, अब की बार की जो ये एकादशी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। पहली बात, पितृपक्ष में एकादशी पड़ रही है, इसका नाम इंद्रा एकादशी है। और ये इंद्रा एकादशी का व्रत जो कोई भी रहता है, भले आप कोई भी व्रत रहे या ना रहे, लेकिन अगर ये पितृपक्ष की अगर आप एकादशी रहते हैं और इसका जो पुण्य आप अपने पितरों के निमित्त छोड़ते हैं, तो कहते हैं इससे आपके घर के जो पितर हैं जो कहीं भटक रहे हैं, वो बहुत ही खुश होते हैं, उनकी आत्मा को बहुत शांति मिलती है। तो गाइस, ये जो इंद्रा एकादशी, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगी, इसकी एक कथा है, आप लोग प्लीज़ ज़रूर सुनिए। गाइस, इंद्रा एकादशी की कथा इस तरीके से कि एक राजा था जो कि महिष्मति राज्य में राज्य करता था, उसका नाम इंद्रसेन था। तो जो अब की बार की एकादशी है उसी के नाम पे है, इंद्रा एकादशी। तो वो राजा गाइस बहुत ही मतलब प्रतापी था और बहुत दान पुण्य करने वाला, बहुत भगवान का भजन करने वाला, और मतलब बहुत मतलब पूजा पाठ में करता था। उसके राज्य में सब लोग बहुत पूजा पाठ करते थे, उसके यहाँ धन वैभव किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। तो एक दिन वो अपनी सभा में बैठे हुए थे, राजा इंद्रसेन। तो जो नारद जी थे वो उसके महल के ऊपर से निकले। जब उसके महल के ऊपर से निकले तो नारद जी ने देखा कि जो इंद्रसेन राजा था वो बैठा, नृत्यांगनाएं थी, वो सब नृत्य कर रही थी, वो सब उसका आनंद उठा रहे थे। तो नारद जी उतरे तो राजा ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि आइए नारद जी, आप बताइए आज कैसे आना हुआ। तो नारद जी ने बताया कि एक दिन मैं यमराज की सभा के बाहर से निकला, तो वहाँ पे मुझे एक व्यक्ति की आवाज़ आई चिल्लाने की। तो उन्होंने कहा, जब मैंने जाके देखा तो वहाँ पे परम प्रतापी धर्मात्मा आपके जो पिताजी हैं वो वहाँ पे हैं, लेकिन किसी कारणवश उनको वहाँ पे थोड़ी सी यातना मिल रही है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो मेरे पिताजी थे वो बहुत ही दान करते थे, बहुत ही तपस्वी थे। तो उन्होंने कहा कि इसीलिए आज मैं आपके पास में आया हूँ कि आपके पिताजी बहुत दान पुण्य करते थे, लेकिन उनसे कुछ गलतियाँ हो गई थी जिसके तहत उनको थोड़ी सी सजा यमलोक में मिल रही है। तो मैं यमलोक गया था तो वहाँ पे मैंने आपके पिताजी को देखा, उनको बहुत ही कष्ट है। तो अगर तुम राजा एकादशी का व्रत रहोगे, जो ये पितृपक्ष में एकादशी आती है, तो इसका सहस गुना फल तुम्हारे पितरों को मिलेगा। तो उसने कहा, अच्छा कि आपने मुझे बता दिया, और चलिए आज मैं, कल ही एकादशी थी मान के चलिए, उन्होंने कहा मैं कल ही एकादशी का व्रत रहूँगा और इस व्रत का जितना भी पुण्य है मैं अपने पितरों के निमित्त दान करूँगा। तो जब राजा ने उस एकादशी का व्रत रहा, एक दिन पहले उन्होंने अपना अन्न त्याग दिया था, और क्या बोलते हैं, पूरी रात उन्होंने भगवान का नाम स्मरण किया। अगले दिन सूर्योदय से पहले उन्होंने स्नान करके और पूजा पाठ करके, मंदिर में पूजा पाठ करके विष्णु भगवान के आगे दिया जला के कथा पढ़ी, उसके बाद अपना व्रत रहने का संकल्प लिया और पूरे दिन उन्होंने व्रत रखा। रात में उन्होंने रात्रि जागरण किया और अगले दिन, फिर एकादशी के अगले दिन, द्वादशी वाले दिन, उन्होंने अपने पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन कराया, तब उन्होंने अपना पारायण किया। और फिर इसका जो पुण्य था उन्होंने अपने जो पिताजी थे जो कि यमलोक में थे उनको दे दिया। इससे उनके जो पिताजी थे वो यमलोक से छूट गए और उन्होंने बहुत सारा आशीर्वाद दिया। तो नारद जी ने कहा कि तुमने आज इस एकादशी का व्रत रहे हो अपने पूर्वजों के निमित्त, जो कोई पितृपक्ष की जो एकादशी आएगी उसमें अपने पूर्वजों के लिए व्रत रखेगा, उसके घर के जितने भी पितर हैं अगर वो कहीं भटक रहे होंगे, किसी कष्ट में होंगे, तो उनको इसका फल जरूर मिलेगा।
और वो अपना आशीर्वाद आप लोगों पे बनाए रखेंगे। तब से गाय इस एकादशी रहने का बहुत ही महत्व हो गया। तो राजा इंद्रसेन थे, उन्होंने एकादशी का व्रत रहा और वो अपना जितना भी पुण्य था उन्होंने अपने पिताजी को दान में दे दिया। उनके पिताजी उस यमराज की कैद से छूट गए और उन्होंने आशीर्वाद दिया, वो बहुत ही खुश हुए। तो गाइस आज छोटी सी कथा थी, मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ में शेयर करूं। और ये जो इंदिरा एकादशी है 10 तारीख की है, 9 को नहीं है। हाँ, जिसको जो लोग एकादशी पे अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं वो 9 तारीख को ब्राह्मण को बुला करके भोजन करा सकते हैं, लेकिन 10 तारीख को नहीं करा सकते, क्योंकि जो 10 तारीख की एकादशी है वही व्रत वाली एकादशी और वही रही जाती है। और इस दिन एकादशी के दिन आप लोगों को पता ही है कि चावल वगैरह खाए नहीं जाते हैं और दान किया जाता है, जितना हो सके आपके पास में आप दान करिए, पुण्य करिए, भगवान का भजन करिए, स्मरण करिए और मंत्र जाप करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का, राधे राधे कृष्ण, जो भी आपको आता हो। तो गाइस मैंने सोचा क्यों ना आज इस एकादशी के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूँ। तो गाइस आज के दिन विष्णु भगवान को शंख में जल भर के स्नान कराना चाहिए, उनको पीले फूल चढ़ाने चाहिए, उनको पीली मिठाई का नैवेद्य भोग लगाना चाहिए, इससे विष्णु भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और जब आप विष्णु जी की उपासना करेंगे तो लक्ष्मी जी तो अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगी। और गाइस कहते हैं कि जो इंदिरा एकादशी होती है इसका व्रत रहने, और अगर आदमी ना भी व्रत रहे, खाली वो अपने मन में ये संकल्प कर ले कि आज मैं एकादशी का व्रत रहूँगा, तो उतने का भी पुण्य उसके खाते में जमा हो जाता है। और गाइस जी जो एकादशी होती है इसका व्रत रहने का बहुत ही फल है, सहस्र गुना फल है। और मैं तो जितने भी लोग हैं अपने सनातन धर्म के उनसे यही बात कहूँगी, भले ही आप कोई व्रत रहें या ना रहें, लेकिन एकादशी का व्रत आप जरूर रहिए। एकादशी का व्रत रहने से क्या होता है कि जब तक आप जीवित हैं तब तक आपके ऊपर कभी भी लक्ष्मी की कोई कृपा हमेशा बनी रहती है, कभी कोई आपकी विपत्ति नहीं आती है, भगवान हमेशा आपकी रक्षा करते हैं धनोधान्य से। और जब आप मर के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे भी सबसे पहले यही देखा जाता है कि आपने कितनी एकादशी रही। तो गाइस कहते हैं ना जब हम लोग ऊपर मर के जाते हैं तो जो चित्रगुप्त जी होते हैं तो यमराज उनसे पूछते हैं कि इस व्यक्ति ने कितनी एकादशी रही। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगी कि अगर आप लोग सनातन धर्म से हैं, हिंदू हैं, तो आप लोगों को भी अपने जीवन में एकादशी का व्रत जरूर रहना चाहिए। तो गाइस आज का ये वीडियो इतना ही, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके बाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, राधे राधे। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण।